नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेफएफ न्यूज में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, किरण बेदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अपने किसी खास अंदाज के लिए सेलिब्रिटी का स्टेटस हासिल करने के बाद किरण बेदी का पॉलिटिकल करियर अपने उड़ान पर है, लेकिन इस बीच उनकी नातिन को लेकर एक खबर सुर्खियों का बाजार गर्म कर रही है। वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुका है। नातिन ने किरण बेदी पर आरोप लगाए हैं जो कि बेहद गंभीर हैं। बाकायदा इसके लिए उनकी नातिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज डिलीवर किया है, जिसमें वो साफ तौर पर किरण बेदी के खिलाफ सख्त आरोप लगाती हुई नजर आती हैं। दोस्तों, पुदुचेरी की गवर्नर किरण बेदी की नातिन का सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब वायरल हो चुका है। किरण बेदी की नातिन का नाम मेहर भरूचा है। मेहर ने वीडियो जारी कर अपनी नानी किरण बेदी पर अपने पिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मेहर ने बताया है कि उनकी माँ यानी कि किरण बेदी की बेटी उनके पापा यानी कि किरण बेदी के दामाद को चप्पलों से पीटती है, उन पर थूकती है, हिंसा भी करती हैं। मेहर भरूचा ने किरण बेदी पर पुलिस के जरिए अपने पिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अपने पिता को प्रताड़ित किए जाने से तंग आकर ही मेहर ने अपने पिता के पास रहने का फैसला किया। दरअसल हाल ही में किरण बेदी ने अपनी नातिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसी का जवाब देने के लिए मेहर ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और खुद के सुरक्षित होने की जानकारी दी। मेहर ने बताया कि वो अपने पिता के साथ सुरक्षित हैं और खुश हैं। वीडियो में मेहर ने ये भी कहा कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहती हैं। इस दौरान इस वीडियो में अपने पिता के पास भी चलकर जाती हैं और ये बताने की कोशिश करती हैं, सबूत देने की कोशिश करती हैं कि वो अपने पिता के साथ ही हैं। हालांकि इस दौरान वीडियो में देखकर लगता है कि शायद पिता को इस बात की जानकारी नहीं है कि मेहर वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली हैं और वो मेहर को किसी भी आम बाप की तरह पढ़ाई करने के लिए भी कहते हैं। मेहर ने वीडियो में ये भी कहा है कि जब माँ बाप के बीच झगड़ा चल रहा था तब किरण बेदी ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि वो पति पत्नी के बीच नहीं आना चाहती, लेकिन अब वो पुलिस का इस्तेमाल कर उनके पिता और उनके पिता के दोस्तों को परेशान कर रही हैं। क्या कुछ था मेहर के इस वीडियो में, आप खुद मेहर की जुबानी सुनिए। My name is Meher Bharucha, daughter of Ruspe Bharucha and the only granddaughter of Kiran Bedi. Kiranani, why are you using your police influence to harass daddy and his friends? Why are you doing that? Nobody has kidnapped me. I'm with my daddy. I'll show you. What are you doing? I'm making a video. Video now? Okay. So you got to study, huh? Putting chappals on daddy, spitting on him and hitting on him and fighting with him. You told me that this matters between dad and mommy. I don't want to get involved with it. Why are you getting involved now? Why are you using your police influence now? It's too late, right? Why? Anyways, I'm fine, I am happy and I am safe with my daddy. And nobody's hurt me or harassed me. You just saw, nobody's kidnapped me either. I'm living with my daddy. हालांकि अब इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम लोगों का ये भी कहना है कि मेहर के पिता ने उन्हें ब्रेन वॉश कर अपने फेवर में ले लिया है। हालांकि दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि मेहर को खुद यानी कि बच्चे को खुद डिसाइड करने दिया जाना चाहिए कि उसे किसके साथ रहना है, क्योंकि पास्ट में भी इस तरीके के केसेस काफी आए हैं जिसमें बच्चे ने खुद तय किया है कि उसे किसके साथ जाना है। बहरहाल इस विवाद की पूरी कहानी क्या है ये भी वक्त के साथ छन छन कर सामने आता रहेगा। जैसे जैसे खबर आएगी हम आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। और आपका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आखिर आपकी इस पर क्या राय है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम आगे भी आपके लिए तमाम दिलचस्प वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।